Hi guys, from chain smoker to non-smoker, कैसे क्यों? मतलब क्यों तो इसका रीज़न है डेफिनेटली अपने आप के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और कोई रीज़न नहीं है इसका। और कैसे क्या क्विट किया, जस्ट अभी जस्ट लास्ट मंथ ही क्विट किया है, और एट द सेम टाइम जिम भी स्टार्ट किया है, तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है अभी बॉडी पे। और वही देखने के लिए मैंने अभी ये वीडियो भी डाला है आप लोग को बताने के लिए कि मैंने कैसे क्विट किया। तो हाउ आई क्विट, हाँ मैंने मतलब जब मुझे क्विट करना था तो मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मैं 12 नवंबर को, मतलब दिवाली के लिए मैं मुंबई गया था, तो मुंबई से जब मैं रिटर्न वापस गोवा आऊँगा तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं गोवा आते ही सिगरेट क्विट करूँगा। मुंबई जा रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ मैं एंजॉय करूँगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ मैं दिवाली एंजॉय करूँगा, और रिटर्न गोवा आके मैं सिगरेट क्विट करूँगा। तो वैसे ही मैं अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था, अपने आप को बोल रहा था कि मैं रिटर्न आने के बाद क्विट करूँगा क्विट करूँगा। और बस मैं जिस दिन गोवा रिटर्न आया उस दिन मैंने लास्ट घर पे पहुंचने से पहले एक सिगरेट पिया, और दूसरे दिन से मैंने क्विट किया। मुझे दूसरे दिन से लगा भी नहीं, फील भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे, एक एक दिन में मैं 20 सिगरेट माइल्स माइल्स का मैं पैक ऑफ 20, कभी कभी डेढ़ दिन में, कभी कभी एक एक दिन में भी 20 सिगरेट का पैक खत्म हो जाता था। तो पैसे की भी बर्बादी, 300 रुपीज़ एक पैक का। अभी पैसे भी बच रहे हैं और हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, अभी जिम में भी जा रहा हूँ तो देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट होगी। और ये डिफ़िकल्ट था, इतना भी इजी नहीं था जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे जस्ट एज आई सेड कि एक महीना भी नहीं हुआ है, 12th को एक महीना होगा, तो क्या किया मैंने। अभी जब भी मुझे अर्ज होता है, कभी कभी ऐसे तलब आती है सिगरेट की, तो क्या करता हूँ मैं, अपना निकोटेक्स 4 mg, निकोटेक्स 4 mg का चुइंग गम चबाता हूँ, और इट वर्क्स, इट वर्क्स। तो बस ऐसे ही है। और अभी और एक बात अपने आप और एक बात शेयर करना था आप लोग से कि कभी भी आप जब सिगरेट छोड़ रहे हो तो ये सोच के मत छोड़ो कि आप किसी और के लिए, अपने वाइफ के लिए छोड़ रहे हो, अपने बच्चे के लिए छोड़ रहे हो, अपनी माँ के लिए छोड़ रहे हो, ऐसे नहीं है। सोचो कि अपने आप के लिए छोड़ रहे हो, आप किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हो, जो भी है वो अपने आप के लिए। क्योंकि जब कोई काम अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आप बराबर शिद्दत से करते हो, तो यही रीज़न है। अगर आप खुद के लिए छोड़ोगे तो आप ईमानदारी से छोड़ोगे, अगर आप सोचोगे कि किसी और के लिए कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। और आप छोड़ने से पहले 10 दिन का 15 दिन का टाइम ले लो, अपने आप को कंटिन्यू बोलते रहो कि मैं इस डेट पे छोड़ूंगा, और आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो और आप अपने ब्रेन को बोलते रहो, वो हो जाता है एकदम इजीली हो जाता है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और अगला मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक महीने में कैसी बॉडी इंप्रूव हो गई है, खाली थोड़ा बॉडी का ऐसा, और क्या क्या करता हूँ मैं वो सब बताऊंगा। तो देखना अगला वीडियो भी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।